वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी और जो टर्म्स हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमी की? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा किसी भी कंट्री के अंदर, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। बहुत सारी वैसे डेफिनेशन है इकोनॉमी की। तो एक्टिविटीज जो भी हैं जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है बेसिकली, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और इसी से क्या होता है, स्टडी भी की जाती है कि जो रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोड्यूस की जाती है कॉमोडिटीज और लोगों के अंदर बांटी जाती है। कॉमोडिटी मीन्स गुड्स जो प्रोड्यूस की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने कार बनाई है और वो कार बना के उसके बाद बेची जा रही है आगे, तो वो एक बेसिकली कॉमोडिटी है, गुड्स है जो आगे दी जा रही है और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो एक कॉमोडिटी है। अब इसके साथ आती है नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो नेशनल इनकम जो है देश की, पूरे देश की एक वेल्थ है और टोटल होता है जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उस देश के अंदर एक साल के अंदर। और बेसिकली इसको हम एक साल में कैलकुलेट करते हैं, एक साल में कितनी भी प्रोड्यूस की गई है उस सिटीजन्स के द्वारा, जितने लोग रह रहे हैं उस देश के अंदर, अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर में फार्मर हैं और कई बिजनेसमैन हैं, वो सारे जो जितने भी हम काम कर रहे हैं, जो शॉपकीपर हैं, हर कोई जो जितने भी लोग हैं सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। जो भी आप काम कर रहे हो उसे नेशनल इनकम हो रही जनरेट, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के अंदर भी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं गवर्नमेंट? पॉलिसीज बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, सो दैट के जो लोग हैं वहाँ के उनको नेशनल वेलफेयर, जो मैक्सिमम वेलफेयर देखा जा सके, या फिर सरकारी योजनाएं जैसे हमारे देश के अंदर चली जा रही हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। अब कैलकुलेट कौन करता है इसको? कैलकुलेट करता है CSO, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रल लेवल पे होता है वो इनकम जो होती है नेशनल उनको कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आप मानो को कुछ टर्म्स तो यूज़ करनी पड़ेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो वो यही टर्म्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना हमारे चैनल को। उसके बाद बात करते हैं हम GDP की। तो GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द कंट्री, प्रोडक्ट्स मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बाउंड्री के अंदर एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की गई एक साल के अंदर, उसको बोलते हैं हम GDP। तो इसको हम एक साल में कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो कैलेंडर ईयर इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है वो 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च के अंदर होता है। तो ग्रॉस का मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द कंट्री नेशन, और प्रोडक्ट्स मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर, दोनों को एक साथ में मिला दिया जाए तो, और उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं की गई, तो इसको बोलते हैं GDP। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका होता है पर एनुअल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए और ग्रोथ रेट इकोनॉमी का जानने के लिए। बेसिकली हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल GDP कितनी थी और इस साल कितनी GDP है, तो उसके अंदर जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। अगर कम हो रहा है तो फिर डाउन हो रही है GDP, बट अपनी GDP इंडिया की स्ट्रॉन्ग हो रही है अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल 100 थी और इस साल 107 है, तो जो 7 है वो 7% जो ग्रोथ रेट है उसका 7% हो जाएगा बेसिकली, और जो ग्रोइंग वैल्यू है उसके अंदर ऐड हो जाती है। और ये स्ट्रेंथ और इंटरनल साइज डिपेंड करता है इकोनॉमी का, पर क्वालिटी जो है क्वालिटी को डिस्कस नहीं करता। अब ये इंडिकेटर होता है कॉमन, GDP से ही कैलकुलेशन होता है इकोनॉमिक्स, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी जितनी सारी कंट्रीज हैं, बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो उनको GDP के बेस पे ही रैंकिंग दी जाती है। और इनको रैंकिंग कौन देता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं और रैंकिंग देते हैं कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जिसकी GDP कितनी स्ट्रांग है। अब इसके अंदर एक और नई चीज़ ऐड हो जाती है, PPP, मतलब PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी कैलकुलेट की जाती है, इसके बेस पे भी रैंकिंग दी जाती है। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? GDP से थोड़ा सा अलग है, होता बेसिकली ये GDP है, बट GDP अगर जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं हम, गुड्स बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी उसमें से, कुछ डेप्रिसिएशन होएंगी, अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो अपने पास आ जाएगी NDP। तो बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ पे वियर एंड टीयर भी होगा, मशीनरी है यूज़ हो रही है, बनाते समय कुछ ना कुछ कम होता है, उसकी वैल्यू भी डाउन होती है, तो उसको हम बोलते हैं NDP। अब इसका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला क्या है, NDP का GDP से अगर कम कर दें हम डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा NDP। अब इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कोहरेंस एंड इंडस्ट्री,
ये एक मिनिस्ट्री है, बहुत कम लोगों को पता होगा, ये एक लिस्ट पब्लिश करती है कि गुड्स जितने भी हैं हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उसकी वैल्यू कितने कैसी डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल एक कार है, आपने 10 लाख की जगह 11 लाख की कार ली है, तो अगले साल उसकी वैल्यू कम की जाएगी, कितनी कम की जाएगी वो ये मिनिस्ट्री डिपेंड करती है। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप मान लो फैन खरीद के लाए हो, 1200 रुपये का फैन खरीद के लाए हो, अगले साल उसकी वैल्यू हो जाएगी 1100 रुपये, तो 100 रुपीज़ जो हर साल उसका कम हो रहा है वो डिसाइड किया जाता है इस लिस्ट के अंदर। तो उसकी जो वैल्यू अगले साल जीडीपी में कैलकुलेट होगी तो वो 100 रुपीज़ कम किया जाएगा, और अगर कम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एनडीपी, एसेट्स जितने भी हमारे अंदर आते हैं। अब एनडीपी का इकोनॉमी में यूज़ क्या होता है, ये डोमेस्टिकली होता है, बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर ही हम इसको यूज़ करते हैं, इसको बाहर जो अपना वर्ल्ड रैंकिंग है जब बाकी सारी चीज़ों में कैलकुलेट नहीं किया जाता। और रिसर्च और डेवलपमेंट में की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको यूज़ करती हैं कि जो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम किया जाए, डेप्रिसिएशन कम हो, सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की वो बनी रहे। तो बट क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जीरो नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन तो होना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, बेसिकली जीडीपी जो है उसके अंदर अगर हम वैल्यू ऐड कर दें, इनकम, अभी जीडीपी हम बात कर रहे थे विद इन द कंट्री, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है हमारे देश के अंदर अंदर चल रही है उसकी बात कर रहे थे, अगर इसके अंदर हम ऐड कर दें इनकम जो बाहर से आ रही है, बाकी कंट्री से इनकम आ रही है, तो उसको हम बोल देंगे जीएनपी। अब कैसे कैसे आती है, ये 3 तरीके से आती है। एक तो आती है प्राइवेट रेमिटेंसेस, जैसे कुछ लोग हमारे देश के बाहर जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बिजनेस कर रहे हैं, अब वहाँ से जो पैसे अपने देश के अंदर भेजे जा रहे हैं, मनी भेजी जा रही है, या फिर यहाँ से बाहर मनी जा रही है, तो उनका जो नेट आउटफ्लो या इनफ्लो है उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंसेस, और वो जो है वो जीएनपी के अंदर कैलकुलेट हो जाती है, अब्रॉड से इनकम आ रही है या फिर यहाँ से बाहर जा रही है। और 2022 में इंडिया जो है वो टॉप पे था, जिसमें 100 बिलियन डॉलर आए हमारे कंट्री के अंदर, और ये रैंकिंग दी थी वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद दूसरा क्या आता है कि इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होते हैं एक्सटर्नल लोन, अभी आपको पता होगा कि कई सारी कंट्रीज भी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, हम लोग क्या करते हैं लोन लेते हैं बाकी IMF से या वर्ल्ड बैंक से या कई और भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दो यूनाइटेड नेशंस जो बॉडीज हैं वहाँ से, अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट भी ऐड किया जाता है। अगर मान लो हमने लोन दिया तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट आएगा, अगर हमने लोन लिया तो हमें पे करना पड़ेगा उसका, तो वो भी कैलकुलेट किया जाता है जीएनपी के ऊपर। तीसरी चीज़ आती है एक्सटर्नल ग्रांट, कई सारी कंट्रीज़ हैं जो ग्रांट भी देती हैं, हम भी ग्रांट लेते हैं, इंडिया भी ग्रांट लेता है, ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज़ हैं और जो यूएन बॉडीज़ हैं वहाँ से भी, बट डिप्लोमेसी के तरीके से देखा जाए फिर या फिर ग्लोबलाइजेशन के, तो इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग ग्रांट ले कम रहे हैं बट देने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इम्पोर्टेंस बनी रहे इंटरनेशनल लेवल पे। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिसाइड किया जाता है, जीएनपी का जीडीपी के साथ प्लस इनकम ऐड कर दो अब्रॉड की, बस इतना ही, जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको ऐड कर दिया तो जीएनपी आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। अब एनएनपी क्या होता है, जीएनपी है, जैसे जीडीपी से डेप्रिसिएशन निकाल के बन जाता है जीएनपी, और जो एनएनपी है इस एनडीपी बन जाता है, सॉरी जो एनएनपी है एनएनपी जीएनपी हो जाता है, बट अगर इसमें से भी डेप्रिसिएशन हटा दी जाए तो उसको बोलेंगे हम एनएनपी, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अब लॉस जितना होगा उसको हटा दिया जाएगा, तो फॉर्मूला इसका कैसे बन जाएगा, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी से डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए अगर, या फिर एनएनपी क्या होगी, जीडीपी अपने देश की प्लस इनकम जहां अब्रॉड से आई और उसमें से अगर डेप्रिसिएशन हटा दी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी। अब आपके लिए क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो जीडीपी कैलकुलेट करती है, थोड़ी देर हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस कई एग्जाम में भी आते हैं, सो दैट आपको पता होना चाहिए, अगर इसके बारे चार ये टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टू बी अ सब्सक्राइबर आवर चैनल। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम, जीवीए वर्सेस जीडीपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।